इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ये है जयपुर का प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में हमेशा इसी तरह से भक्तों का साल भर तांता लगा रहता है। दरअसल जयपुर के लोगों की इस मंदिर में बेहद खास आस्था है। घर में शादी विवाह हो, नामकरण हो या फिर कोई दूसरा शुभ काम, जयपुर शहर के लोग सबसे पहले मोती डूंगरी पहुंचकर श्री गणेश भगवान को ही न्योता देते हैं और ऐसा करना कभी नहीं भूलते। इस मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना जयपुर शहर का। मोती डूंगरी गणेश मंदिर की मूर्ति सैकड़ों साल पुरानी बताई जाती है। कहते हैं कि जयपुर मोती डूंगरी गणेश जी की मूर्ति को संवत 1818 को गुजरात के मावली जिले से गणेश चतुर्थी के दिन ही जयपुर लाया गया था। तब जयपुर में महाराजा माधव सिंह प्रथम का शासन हुआ करता था और उनकी पत्नी के पीहर गुजरात मावली से लाई गई ये बेहद खास गणेश भगवान की मूर्ति हुआ करती थी। मान्यता ये है कि उस वक्त ही ये गणेश प्रतिमा 500 साल पुरानी हुआ करती थी। इस प्रतिमा को मावली से जयपुर पल्लीवाल नाम के एक सेठ लेकर आए थे, उन्हीं की देखरेख में ये मंदिर भी बनवाया गया था। जब गणेश जी महाराज को यहाँ स्थापित किया गया तो वो एक चट्टान के ऊपर था। तब ये मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे मोती डूंगरी मंदिर का जीर्णोद्धार होता गया, जो आज एक विशाल और भव्य रूप ले चुका है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर साधारण शैली में बना एक सुंदर और अप्रतिम मंदिर है। इस मंदिर के सामने कुछ सीढ़ियां और 3 दरवाजे हैं। यहां गणेश जी की प्रतिमा दाहिने सूंड वाले गणेश जी की विशाल प्रतीक रूप में है, जिस पर सिंदूर का चोला चढ़ाकर भव्य श्रृंगार किया जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां हर बुधवार को नए वाहनों की पूजा कराने की मान्यता प्रसिद्ध है। जयपुर में जो भी शख्स कार, स्कूटर या कोई दूसरा वाहन खरीदता है तो वो इस मंदिर में पूजा अर्चना कराने जरूर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।